Hey guys, welcome, welcome, welcome. Last time आपने एक पोल में मेरे चमास को जिताया था, चमास जिंदाबाद. तो इसीलिए आज मैं करने वाली हूँ a few of my most favorite sunglasses from my collection because I'm obsessed with chamas. Let's go for it. Okay, so these are my clear glasses which I love wearing. मुझे बड़ा मज़ा आता है कभी कभी इसे ऐसे ही कैजुअली पहनना. नहीं, मेरा कोई पावर नहीं है. आई डोंट हैव माई माशाल्लाह, माई आई साइट इज अ 6/6. आई जस्ट वेयर इट फॉर स्टाइल, यो स्टाइल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ऑफकोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज यू आर गोना सी एवरीथिंग स्टाइलिश ऑन दिस वीडियो ऑनलाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So these are my clear glasses. I'm going to just take you through a few of my favorites. ये एक ब्रांड है जो शायद काफ़ी परसेंट ऑफ लोगों को पता भी नहीं होगा. इट्स कॉल्ड 40 million. एक ब्रांड है जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश चश्मे बनाते हैं, लेकिन इंडिया में ख़ास तौर पर ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है. सो आई शो यू वन विच इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शेप बहुत यूनिक है. एंड हाँ, ब्लू ग्लासेस सबको पसंद आते हैं, टिंटेड ग्लासेस सबको पसंद आते हैं, लेकिन इसमें वो एक रेट्रो फील है जो ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं है. यूजुअली रेट्रो लोगों को लगता है कि हाँ बहुत बड़े ग्लासेस होते हैं, बट आई लाइक दीज बिकॉज दीज आर जस्ट लाइक आई फील लाइक गोइंग इन टू अ ज़ीनत अमान मोड व्हेन आई एम वेयरिंग दिस, सो आई लव इट. अगर 40 million के बारे में आप पूछें तो मेरे पास और भी हैं 40 million वाले, जो है ये. हाँ, और अगर आपको चश्मे पसंद हैं तो आपको उन्हें उनका ध्यान भी रखना चाहिए, उन्हें अच्छे से रखना चाहिए ताकि दे ऑल बिकम लाइक यू नो समथिंग दैट यू कैन हैव फॉर इयर्स एंड इयर्स टुगेदर. तो ये एक बहुत ही अगेन यूनिक शेप है. दिस इज़ अगेन 40 million. क्यूट, छोटा एंड हाँ, कई चेहरों पर सारे शेप्स चश्मों के सूट नहीं करते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप वो चश्मे पहनिए जो आपको पसंद आए, जो आपको सूट करें. प्लीज डोंट वेयर समथिंग दैट्स नॉट सूटिंग योर फेस. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड दैट आई हैव अ फेस कट जो मोस्टली आई वुड से 90% ऑफ फ्रेम्स सूट माय फेस. लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझसे मेरा कौन सा वो एक शेप है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे फेस पर, ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो पुराने ज़माने के जो ओकलीज होते थे, जो ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप के होते थे, वो आई एम नॉट सो श्योर अबाउट that suiting my face. लेकिन हाँ, मैंने I don't think I've ever owned an Oakley by the way. Okay, तो ये एक ब्रांड है called Own Days. ये एक जापनीज ब्रांड है और बहुत ही cool wearable sunglasses होते हैं इनके. Like this is a plastic frame but it is so cool because it goes with everything. Own Days की खास बात ये है कि वो काफ़ी चीज़ें ऐसे करते हैं जो काफ़ी यूनिक होते हैं. I'll show you one of my glasses from Own Days which is amazing. कि वो काफ़ी यूनिक चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें ऐड करते हैं अपने चश्मों में, जैसे कि ये. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ग्लासेस क्योंकि ये उन रेयर चश्मों में से हैं जो मेरे पास हैं जो छोटे फ्रेम के हैं. मुझे यूजुअली छोटे फ्रेम पसंद नहीं है, बट द कूलेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज चला माई नेव्यू हमदान एंड हुमैद, बोथ ऑफ देम लव दीज चमास क्योंकि उन्हें इसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है. एंड माई हुमैद लव्स इट द मोस्ट एंड ही लव्स हैविंग फन विद इट. दैट्स व्हाई दिस इज सो स्पेशल टू मी. दिस इज़ सो कूल, राइट? एंड कई ऐसे चश्मे आते हैं जिसमें ये डिटैचेबल भी होते हैं. आई एम गोना शो यू वन दैट आई हैव विच इज़ अगेन ओन डेज. एंड ऑफकोर्स द गुड ओल्ड रे बैंस. मुझे रे बैंस काफ़ी पसंद है एज अ ब्रांड क्योंकि वो काफ़ी अगेन वेयरेबल चश्मे बनाते हैं. एंड ऑफकोर्स दे आर सिनोनिमस टू एविएटर्स, सो एवरीबडी लव्स रे बैंस. सो आई हैव दिस पेयर विच इज़ लाइक अ बेसिक ब्लैक. अगर मुझे कॉप का रोल प्ले करना होगा तो मैं शायद ये वाला इस्तेमाल करूँगी विच इज़ लाइक बेसिक ब्लैक. एंड जैसे मैं कॉप के रोल्स प्ले करने वाली हूँ. एंड द अदर वन इन रेबैंस इज़ द न्यू कलेक्शन विच इज़ अ लिटिल मोर ग्लैम फॉर रेबैन यू नो एविएटर स्टैंडर्ड्स. तो देव एडेड द गोल्डन रिम ऑन टॉप, देव चेंज्ड, उन्होंने ये अपने स्क्रूज भी चेंज किए हैं, क्लिप्स चेंज किए हैं. सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. दिस इज़ अ रेबैन ऑल्सो, वेरी स्टाइलिश, वेरी कूल. तो डीटा जो ब्रांड है, अगर आपको प्लास्टिक फ्रेम्स पसंद हैं, डीटा के पास मोस्ट अमेजिंग रेंज ऑफ प्लास्टिक फ्रेम्स हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं.
And this is one of my favorites because ye cat eye zarur hai, lekin ye broad cat eye hai. And it's a hard plastic, so it's very good for, you know, agar aap race course ja rahe hain ya kahin par ja rahe hain jahan par aapko cat eye look chahiye, but you also want to be comfortable, and this is a great frame for that. Dita ka mere paas aur ek tha, but unfortunately wo chori ho gaya. Ha, mere sath kafi cheeze chori ho jati hain. Okay, these are one of my favorites. Agar main cat eye ki baat kar hi rahi hu, to let me just introduce you to my favorite one in the cat eye family. Okay, so this is Tom Ford. Very unique. Zyada faces aise aisa shape carry nahi kar payenge. Not because they can't, but because wo hichkichayenge ki no, okay, this is a little over the top, yeah, a little too bold for us, but I love this. I absolutely love this. I think ये बहुत ही ज़्यादा character based चश्मा है, तो जब मुझे थोड़ा I'm the Catwoman, मुझे touch मत करो, अगर वो frame में मुझे जाना है तो then I wear this and I know that people won't approach me. फिर Dior के, of course Dior के brand के सारे ही चश्मे बहुत ही अच्छे होते हैं, but this is one of my favorites क्योंकि इसमें white है, अगर आप देखेंगे there's white on it and I love white. मेरे पास और एक Roberto Cavalli का था white, जो again खो दिया मैंने. Yes, क्योंकि मैं सारे चश्मे खो देती हूँ, मैं सारी चीज़ें भी खो देती हूँ, बिकॉज आई दैट्स वॉट हैपन्स विद मी, आई एम समटाइम्स क्लम्सी. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. वेरी लाइट, बहुत ही लाइट, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर वो जो डेंट आता है वो नहीं आएगा, बिकॉज इट्स वेरी लाइट, दिस फ्रेम इज़ वेरी लाइट. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम डियोर. एक्चुअली मेरे सारे ही चश्मे मेरे फेवरेट्स हैं. गुची की अगर मैं बात करूँ, तो गुची में मेरे पास सिर्फ एक ही पैर है और वो है ये. हा, बहुत ही ज़्यादा कूल है क्योंकि इसमें अलग कलर्स हैं, विंटेज है, काफ़ी अच्छा है. एंड राउंड, राउंड इज़ माय फेवरेट शेप. तो राउंड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फेवरेट मुझे हमेशा राउंड ग्लासेस ही लगते हैं, बिकॉज आई फील लाइक वो, क्योंकि मेरे फेस में थोड़ा वॉल्यूम है ऑलरेडी, तो मैं कैरी कर लेती हूँ. बड़े ग्लासेस, ब्रिंग इट ऑन, I can carry them. Okay, अगर मैं आपको मेरे एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिव चश्मा दिखाऊं, तो ये वो है ये. इस ब्रांड का नाम है सॉसप्री. ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है और वो बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही महंगे चश्मे बनाते हैं और बेचते हैं, क्योंकि काफ़ी इनके डिज़ाइंस हैं जो लिमिटेड एडिशन हैं और वो बिल्कुल बल्क में नहीं बनाते हैं. सो इफ़ यू ओन वन ऑफ इस ब्रांड का कोई भी चश्मा, दैट मीन्स वो सिर्फ चंद या कुछ ही पीसेज होंगे पूरी दुनिया में. सो आई ओन दिस वन विच इज़ हैंड क्राफ्टेड, दे मेक इट बाय हैंड, एंड जस्ट लुक एट हाउ क्लासिक दिस इज, दिस इज लाइक अल्ट्रा क्लासिक चमा. आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट. सो इट्स मेड बाय अ फैमिली इन आई थिंक इट्स मेक्सिको, आई एम नॉट टू श्योर, बट या हाँ. और मेरे सारे चश्मे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, हाँ कुछ कुछ हैं, बट अगर आपको अच्छे ब्रांड के चश्मे चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत पैसा तो डालना ही पड़ेगा, या तो फिर ऑफ कोर्स रेबैंस आर वेरी अफोर्डेबल, दे आर वेरी कूल, दे आर वेरी नाइस, एंड उनके काफ़ी अच्छे रेंज भी आ रही है. दिस वॉज गिफ्टेड टू बी बाय माई स्वीट हार्ट रेयान, माई फ्रेंड, माई लगते जिगर, एंड आई लव दीज बिकॉज दीज आर एल वी लुई विटों. इट्स प्रॉब्ली द ओनली एल वी शेड, पेयर ऑफ शेड्स दैट आई हैव. वेरी कूल अगेन, नॉट टू राउंड बिकॉज आई लाइक दिस, क्योंकि ऐसा शेप मेरे पास और नहीं है. एंड अगेन लाइट प्लास्टिक, सो इट डजेंट हर्ट, आपके नाक में दर्द नहीं होता है, आपके आँख में दर्द नहीं होता है, आपके सर में दर्द नहीं होता है. इट्स वेरी कूल बिकॉज लुक एट द लग्जरी ऑन द साइड, इट्स सो कूल. उसमें गोल्ड इनग्रेव्ड है विच इज़ सो ब्यूटिफुल. आई लव लग्जरी एक्चुअली, लग्जरी प्रोडक्ट्स में, इसलिए हम गॉर्जियस के कपड़े बहुत ही अफोर्डेबल बनाते हैं. और अगेन एक ब्रांड का नाम जो शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, वो है जेंटल मॉन्स्टर. जेंटल मॉन्स्टर ऑफकोर्स सेलिब्रिटीज़ और अभी सर्किट में काफ़ी लोगों को पता होगा ऑलरेडी, बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों के पास ये वाला देखा है. सो जेंटल मॉन्स्टर इज़ अ कुरियन ब्रांड, ये कोरिया के बने हुए ब्रांड्स हैं, एंड दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट गोल्डन डार्क एविएटर्स. They are thick from the side and they give you a very confident look. Only problem with this is ki kafi heavy hai, as you can see yahan par rubber nahi hai uske nose grip ke liye, and isiliye aapka naak, aapke naak mein kafi dent pad jate hain agar aapne isko thode der ke liye pehna, and then you just have to take it off and then wear it again, you know, thode bahut
एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं फैशन फॉरवर्ड होने के लिए. अगर आपको लगता है कि फैशनेबल होना बहुत ही आसान है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे सैक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं. अगर आपको स्टिलेटोस पसंद है तो आपके पैर कट जाते हैं, अगर आपको चश्मे पहनने होते हैं तो आपकी नाक छिल जाती है. आई एम जोकिंग. तो ये हो गया. अब मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट्स, मेरे पास और दो तीन हैं इसमें, लेकिन मैं सारे कलेक्शन ही दिखा रही हूँ. दीज आर कॉल्ड इरेसिस्टर्स, अगेन अ ब्रांड विच इज़ काइंड ऑफ न्यू टू इंडिया. गेस हू एल्स ओन्स दिस? करण जौहर, बिकॉज आई हैव सीन हिम वेयर दिस. Karan, he has impeccable taste in glasses and shoes, and obviously we all know it. But I've seen this particular pair on him, so I know he owns it too. And I'm probably the only other one who owns it. Lekin agar main aapko bataun ki another celebrity who loves irresistors is also Kareena Kapoor Khan. If you see her, she's always adorning them. I've had them for years. I love this brand. And I have a collection. I have like 4 or 5 of them. But I'm only going to show you 2. So this is a blue tinted one, which is ultra cool. Irresistors ke shape almost aise hi hote hain, bade hote hain and rectangular, squarish aise shape hote hain. And unke dabbe kaafi bade hote hain. If you see, the boxes are quite big because obviously the glasses are big. Okay, and the other irresistor that I have is a black one. Again, jaise maine kaha, जो सेलिब्रिटीज़ के मैंने नाम लिए हैं उनके ऊपर काफ़ी पिक्चर्स में आपने ये देखे होंगे और मुझ पर भी देखे होंगे. बट या दिस इज़ द क्लासिक, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ओन दिस पेयर. पूरी दुनिया में दिस इज़ द फास्टेस्ट सेलिंग इरेसिस्टर दैट देयर इज, एंड आई लव दीज. आई लव द ब्लैक वंस. आई ऑल्सो हैव गोल्ड वन. आई ऑल्सो हैव वन मोर विच इज़ गॉट द एनिमल प्रिंट ऑन इट, लेकिन वो इस वक्त नहीं है इस कलेक्शन के अंदर. So yeah, that's about it. And okay, Vogue also is a very affordable brand. Agar aapko chashme pehne hain and aapko limited budgets mein chashme khareedne hain, Vogue is very good. Kaafi achhe shapes hain unke paas, and they were kind enough to send me this new one jo aajkal kaafi, you know, trendy hai, jo absolutely narrow cat eye wale आप देख रहे होंगे हर सेलिब्रिटी के ऊपर. सो दीज वर द वंस दैट वर सेंट टू मी बाय वोग, एंड थैंक यू सो मच फॉर देम. आई लव देम. सो या, वोग, रेबैन, ये काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं. अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ खरीद सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई चीज़ सूट होती है तो आप उसे प्लीज़ भेज दीजिएगा कॉन्फिडेंस के साथ पहनिए, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप डेफिनेटली उसमें अच्छे नहीं लगेंगे. ये एक लास्ट वाला मेरा जो पीस है, जो काफ़ी मेरा फेमस पीस है, मैंने इसको काफ़ी सालों साल चलाया है बिकॉज आई लव दीज. दिस अ ब्रांड कॉल्ड म्यू म्यू, एंड अगेन आई सेड राउंड, मुझे राउंड काफ़ी पसंद है, बट दीज आर द लार्ज राउंड वंस दैट आई हैव, एंड वेरी लाइट, अगेन काफ़ी लाइट फ्रेम है, तो इसीलिए इट्स बहुत ही ज़्यादा वेयरेबल है और बहुत मज़ा आता है ऐसे पहनने के लिए, बिकॉज दे आर टिंटेड एंड देव गॉट द एनिमल प्रिंट ऑन इट. सो या, दैट्स अबाउट इट. म्यू म्यू डज इट फॉर अस. आई थिंक आज हमने कुछ 20 फ्रेम्स डिस्कस किए हैं. अगली बार अगर और एडिशन्स हो जाएंगे तो और भी दिखा दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड स्प्रेड द वर्ड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. लव यू. बाय.